आपके होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा तारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह और नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है, पहले तो मैं आज ये जिक्र करूँगी, सुबह की नींद कितनी ख़ास होती है, कितनी ज़रूरी होती है ये आपको नहीं पता, ये मुझसे पूछें, क्योंकि आप लोग तो घर में सो रहे होते हैं, आप लोग तो रिकॉर्ड शो भी देख लेते होंगे, लेकिन मैं सुबह उठ के आती हूँ, शो करती हूँ और जो जो मेरे गेस्ट आते हैं उनको मैं दोनों हाथ से खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह सुबह उठते हो। लेकिन वो लोग जो हैं एक बार उठते होंगे, लेकिन मैं रोज़ाना उठती हूँ और मेरी रूटीन बड़ी चेंज हो गई है सिर्फ मॉर्निंग शो की वजह से। खैर, आज के जो शो के गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। टिकटॉक का शौक है उन्हें, और टिकटॉक पे क्यों आए, कैसे आए, किसको देख के आए, फेवरेट टिकटॉकर कौन है, काफ़ी सारे सवाल हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे इम्तियाज चांडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मज़े में, बिल्कुल ठीक। नाश्ता वाश्ता किया है? हाँ हाँ। क्या बात है इम्तियाज, क्या चल रहा है ज़िंदगी में आजकल? तो कुछ खास नहीं चल रहा वैसे, मतलब सबको देखो तो मतलब आजकल टिकटॉक चला रहे हैं। टिकटॉक क्यों चलाते हैं यार? खुद को फेमस करने के लिए। कौन फेमस है, आपका फेवरेट टिकटॉकर है? मैं जिसकी मतलब मेरा जो फेवरेट है वो फिलहाल तो टिकटॉक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे, वो है मिस्टर फेसू। फेसू, मिस्टर फेसू, फेसू। लेकिन गर्ल्स में अगर मैं टिकटॉक की बात करूं तो उसमें किसको आप ज़्यादा देखते हैं? हाँ, वो सिंधी लड़की है, अरीशा सुमर उसका नाम है। अरीशे, वाओ। और किन से? और आजकल तो आपको देख रहा हूँ आप राइडिंग। नहीं नहीं, मैं राइडिंग को छोड़ो मेरी, और इसके अलावा मतलब हमारी सिंधी टिकटॉकर्स बॉयज़ में, बॉयज़ में वो चांडियो एक लड़का है, मिस्टर चांडियो, जुहेब चांडियो। और आपकी कास्ट कहना तभी तो आपको अच्छा लगता है, वो सिंगिंग उसकी बड़ी प्यारी, उसकी और वो आजकल वो कहते हैं हेलो गाइस, उसकी ये बड़ी वायरल चल रही है, हेलो गाइस मेरे पास आया, मुझे कहते हैं हेलो गाइस मैं तारा डारा के शो पे आया हूँ, तारा डारा जो इतनी से इतनी बड़ी बड़ी बाइक चलाती है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो? कहता है बस। अब मैंने कहा ऐसे नहीं बोलो, तुम्हें आदत हो गई है, ऐसी बात करता है अब हमसे भी। बहुत अच्छा सिंगर है, होस्ट है, टिकटॉकर है और काफ़ी चीज़ें आप उसको नोट करते हैं। अच्छा, लाइफ में टिकटॉक किसको देख के बनाई आपने? मतलब गर्ल्स में या बॉयज़ में? दोनों में बताएं। मतलब मुझे अचानक शौक हुआ, जो भी मतलब ऊपर मतलब वीडियोस करता गया, मतलब मुझे उसमें मतलब ऐसा जुनून पैदा हो गया कि भाई मुझे भी बनानी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब मेरी फर्स्ट वीडियो मतलब वो सीधा फॉर यू पे गई ने। ये तो फिर ऐसे करते करते तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा था व्यूज क्या है, 2019 की बात है। अच्छा। हाँ, मैं तब से चला रहा हूँ, इससे पहले म्यूजिकली था। म्यूजिकली बिल्कुल था। ओके ओके, देखा गाइस सुबह सुबह का वक्त है, मुझे नींद भी आ रही है, उबासी भी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, शो तो करना है, शो तो मजबूरी है ना। बिल्कुल। आप सुबह सुबह कैसे उठते हैं, आज डिस्कस करें अपनी रूटीन के बारे में। मैं सुबह सुबह फिलहाल तो कॉलेज जाता हूँ, हैदराबाद से बेसिकली। तो मैं, अच्छा हैदराबाद से आप आए हैं? मैं तो फिलहाल आशिक पट्टी के दोस्त हूँ। अरे दादा आशिक के पास ही आए हुए थे और शो भी अटेंड किया, तो हैदराबाद के लोगों को तारा का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जिथे किथे रहो आबाद हो जो, सलामत हो जो, अब मौला जी अमान में हो जो। सही है ना, सही सिंधी बोली है मैंने? हाँ, आप तो माहिर हो सिंधी में। यार मैं कोशिश करती हूँ अच्छी सिंधी बोलने की। अच्छा। थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है ना, आदत नहीं है मुझे। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बंदा हेट मथे हो जाता है। हेट मथे हो जाता है, हेट मथे। अरे बाबा सही, तुम खिलते हो मेरी बातों में, खिलो नहीं, खिलो नहीं, पर कभी कभी हंसी आ जाती है, हम कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो इस कॉलेज में? क्या कॉलेज पे? तो फिलहाल इंटर में हूँ। इंटर में, कॉलेज इंटर ही होता है बाबा, लेकिन मतलब वहाँ पे कौन सी स्टडी कर रहे हो? एफएससी। क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो? हाँ, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियर बनना है बड़े होके, घर तोड़ के बनाने हैं? नहीं, जोड़ के तोड़ना है। जोड़ के तोड़ने हैं? क्यों, मुझे लग रहा है क्या मतलब ये जो है काम आप तो नहीं करते जोड़ने तोड़ने वाला? नहीं। पक्की बात है? आपने जोड़ने तोड़ने की बात की ना, तो लोगों को तो नहीं जोड़ते तोड़ते? नहीं, वो तो फिलहाल तो नहीं, वो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं, लोग करते हैं। समझ गई हूँ मैं भाई। तो गाइस ये हैं हमारे इम्तियाज चांडियो, और फेवरेट टिकटॉकर इनका जुहेब चांडियो है, अरीशे सुमरो है, मिस्टर फैसू इंस्टाग्रामर हैं, वो इनके फेवरेट हैं। और टिकटॉक ऐप पर 2019 से ये आए, और क्या लगता है टिकटॉक ऐप कामयाब जाएगी? मतलब वो तो कामयाब है, आप कामयाब होंगे टिकटॉक पर? अब तो नहीं जाएगी क्योंकि मेरा अकाउंट बैंड हो गया है। कैसे बैंड हुआ है, तो रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा, मतलब अफसोस हो रहा है। अच्छा,
कैसे बैंड हुए? वो जीमेल आईडी भूल गया था उसकी। नहीं तो तुम्हारी गलती है, टिकटॉक वालों की थोड़ी गलती है। तो उनका काम है एक बार मतलब उनका काम है वापस दें। अच्छा वो तुम्हें घर ला के दें, ये ले बाबा टिकटॉक है तूने बंद कर दिया। हाँ बंदा टीसीएस देता है। टीसीएस तो उनको एड्रेस दे देते ना, घर भिजवा देते। हाँ वही भूल गया था ना। बस ये अब इसमें तेरा घाटा हमरा कुछ नहीं जाता। वही सॉन्ग सुनते हो? फेवरेट सॉन्ग कौन सा? ज़्यादातर तो मैं उर्दू का सॉन्ग सुनता हूँ। फेवरेट सॉन्ग उर्दू में? मतलब नाम बताऊँ ना सॉन्ग का? आपके नहीं सॉरी सॉरी आपके प्यार में हम सवरने लगे। वही 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 मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा मैं गाने सुनती हूँ। बड़े थोड़ी थोड़ी सुनती हूँ, ज़्यादा नहीं सुनती। और एक सिंधी में कौन सा सॉन्ग है फेवरेट? सिंधी में अड्डे सजन सफा मारे छड़ई दर पंजे का दिखा रे छड़ई जो भी है यही आए बाबा कुछ। और कौन सा उम्र फेवरेट सिंधी सिंगर कौन सा है जिसको ज़्यादा सुनते? मौलाई। मौलाई का कौन सा गाना जो आप बहुत सुनते हैं? हाँ फेवरेट जो होता है ना वही अक्सर दिमाग में याद नहीं आता। मेरा तो भाई रजब फकीर है। सिंगर है? अरे उस्ताद रजब फकीर। उस्ताद रजब फकीर एक नामी लेजेंड है हमारे सिंध के, और सिंगर है जवानी न रहनी। हाँ हाँ ओ मुझे गोडे निंद सुटी मुवार सवारे या प्यारी अजा। सॉन्ग सुने में लेकिन नामों का नहीं पता चलता। रजब फकीर की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ आपकी सोच है। अच्छा मैं उन्हीं के सॉन्ग सुनती हूँ, रजब के और मौलाई के। क्या बात है। मुमताज़ मौलाई के तो साथ अच्छी मतलब बातचीत है आपकी? जी जी नहीं नहीं मेरे पड़ोसियों की। अच्छा हाँ ये साथ है ना पीछे बैठे हैं ये बात करते हैं, मैं तो नहीं करती। सही आप कुछ सवाल करना चाहेंगे मुझसे? हाँ मैं मतलब मैं आप मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब से चला रही हो टिकटॉक? मैंने लास्ट दिसंबर में शुरू, मुझे एक साल हुआ। एक साल? मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ। कॉलोनी में? किधर? इधर ही कॉलोनी में। किधर कॉलोनी में? डिफेंस में? हाँ हाँ वो तो टिकटॉक की बात है, टिकटॉक तो मुझे एक साल हुआ है रिसेंट। अच्छा। मतलब आपको मतलब किस तरह से शौक हुआ था? मैं बाइक चलाती थी पहले, तो बाइक से मुझे बाइक की वीडियोज़ बनाती थी। एक दिन गलती से मैंने पब्लिक कर दी बाइक की वीडियो, गलती से हुई। ओनली मी पे मैं व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट कर रही थी तो वो पब्लिक कर दी। रात 11 का टाइम था कोई, और वो वायरल हो गई। वो मैं सब सुबह उठी हूँ, सुबह भी नहीं मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया, अरे तुमने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया। तुम तो मैं बोलती थी मैं तो प्राइवेट बनाती हूँ ये वो। मैंने कहा यार कहाँ पब्लिक किया। और जब मैं गई तो उस वीडियो में मेरे आए थे 3 लाख कुछ व्यूज़ आए थे। 3 लाख कुछ व्यूज़ आए थे। अच्छा तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अरे ये कैसी बात हो गई, ये इसमें क्या है जो लोगों ने देखा है। क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट शॉकिंग बात इसलिए थी क्योंकि वो प्राइवेट कर रही थी, तो मैंने हैशटैग नहीं दिए थे, विदाउट हैशटैग पोस्ट की थी, तो वायरल हो गई। तो उसके बाद मुझे शॉक हुआ टिकटॉक का, बगैर कैप्शन के। क्या बात है। तो उसके बाद तो कैप्शन देना शुरू किए जब पब्लिक की, तो ये ऐसे शॉक हुआ। मतलब आप उस दिन मतलब डर रही थी या खुश हो रही थी जब आपकी वीडियो वायरल? डर रही थी घर वालों से क्योंकि वो टिकटॉक को, खुश इसलिए हो रही थी वायरल हो गई, वायरल हो गई वीडियो। सही। और सर? और पूछो। बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं डेहर की उबाड़ो। उबाड़ो सही सही। उसके साथ घोटकी है, वहाँ के पेड़े मशहूर हैं। हाँ पेड़े तो मशहूर है। मेहड़ नाम सुना है? मेहड़। मेहड़ बिल्कुल। हाँ वहाँ की मेहंदी और मावा बहुत मशहूर है। हाँ मेहड़ के काफ़ी मेरे जान पहचान वाले हैं। अच्छा कभी आओ ना, मतलब मेहंदी आपको दिलाए मावा खिलाए आपको। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी मेहंदी लेने के लिए। मेहड़ आऊँगी कराची से, मावा लेने के लिए मैं कराची से मेहड़ जाऊँगी, इंशाल्लाह आऊँगी। जी ज़रूर। मेरा शौक है पर्सनली कि मैं बाइक पे ट्रैवल करूँ पूरे सिंध। पूरा सिंध? पूरा सिंध मैं अपनी बाइक पे एक्सप्लोर करूँ। हैदराबाद हो गया, हैदराबाद जेकमबाद और जामशोरो, ये सब सिटीज़ हैं। खैरपुर नाथनशाह, खैरपुर मीरास, मीरपुर और डेहर की घोटकी ओबाड़ो, सब मैं बाइक पर ट्रैवल करूँ। क्यों तेल नहीं पीती क्या? क्या आपकी बाइक?
मतलब बाइक पे मुझे शौक है, मैं ना एडवेंचर करूं, चीजों को बाइक पे देखूं। अच्छा अच्छा, गाड़ियों पे तो सब लोग सफर करते हैं, भले मैं एक महीना दो महीने लगे, लेकिन बाइक पे जो मजा है ना वो। हेलमेट यूज करती हैं आप? हाँ, मैं ऑलमोस्ट गियर्स यूज करती हूँ। अच्छा, वीडियोस में नहीं करती, क्योंकि वीडियोस में हेलमेट पहनूंगी तो मैं नजर नहीं आऊंगी, मैं लड़की चला रही हूँ। मतलब आप, मतलब मैंने आपकी मतलब वीडियोस देखी, मतलब वॉइस की तरह कपड़े होते हैं आपके। हाँ, आज मैं माशाल्लाह लड़की हूँ। लोग कमेंट करते अदिता छोकर आयो छोकरी आयो, मैंने कहा बाबा सही छोकरी हूँ तो मैं बन के बताऊँ मैं छोकरी हूँ, इसीलिए छोकरी बनी। मतलब आपकी माशाल्लाह लुकिंग बड़ी प्यारी होती है उस टाइम। थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? मैसेज तो ये है मेरा, मतलब टिकटॉक मतलब जो आजकल बना रहे हो आप लोग, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब काम करना है तो कुछ ऐसा करो मतलब दुनिया हैरान हो जाए। आप लोग मतलब ये स्लोमो व्लोमो ये गोली वोली मारो, दुनिया को हैरान करो, हैरान हो जाए, मतलब ऐसा मारो जो किसी ने नहीं किया हो। बस बस बाकी सोचने तो सोचो सोचो। और आप भी कुछ ऐसे लग रहा है कुरान खानी में बैठी हूँ। कुरान खानी में नहीं बाबा, एक तो मुझे नींद इतनी है आज ऊपर से। असल में ना ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। खैर हो गई, कोई बात नहीं, हमारे पास फर्स्ट, हम उनको ही बुलाते हैं जो फर्स्ट यहाँ करें, लास्ट कहीं अच्छी जगह और अच्छी जगह पे जाएं। आप अभी बात कर रही हो ना, मेरा अभी भी दिल धड़क रहा है। हाँ क्यों बाबा? मतलब आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता चल आपसे बात वाकई कर रहा हूँ कि नहीं, वो तो वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।